अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। कृषि मंत्री और हरदा से भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल ने कहा इस बार फिर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा उन्हें लाडली बहनों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है जो भाजपा की सरकार बनवाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं हरदा के विधायक कमल पटेल गांव गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में कमल पटेल लाडली बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार कमल के फूल की रंगोली बनाए, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल के फूल पर प्रसन्न होती है। कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बन रही है, भाजपा को लाडली बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही बड़े बुजुर्ग एवं बच्चे भी भाजपा के साथ हैं। कमल पटेल प्रचार के दौरान लोगों को भाजपा की नीतियों के बारे में बताकर वोट मांग रहे हैं। देखो, जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है वो परीक्षा टाइम में टेंशन नहीं लेता है, मस्ती से अपना रहता है, मेरिट में आता है। तो मैं भी कैसा राजनीतिक विद्यार्थी हूँ जो साल भर नहीं, पूरे 30 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 25 साल आता हूँ, और इसलिए मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ वो कितने आराम से मस्ती से बैठे हैं, है ना, चाय पी रहे हैं, एक एक इलाके के समझा रहे कर रहे हैं पूरा। तो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ नेता है और जनता और कार्यकर्ता मेरे साथ है, और इसलिए जिसके साथ जनता चुनाव लड़ी, जिसका हर व्यक्ति कहता है कौन है कमल पटेल, तो कहता मैं हूँ कमल पटेल, माता बहने कहती मैं हूँ कमल पटेल, युवा कहता मैं हूँ कमल पटेल, मजदूर कहता मैं हूँ कमल पटेल, बुजुर्ग कहते हैं माता बहने मैं हूँ कमल पटेल। और जब हर घर में कमल पटेल है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती, उसे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया, उसके बल पर चुनाव जीतेंगे। और मेरे हजारों कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है, और इसलिए अभी तक मैं 5 चुनाव जीत चुका हूँ। ये चुनाव अभी तक जितने वोट से जीता उससे भी ज्यादा जीतूंगा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने देखा था कि जिस क्षेत्र में मुझे समर्थन नहीं मिलता था, जिस वर्ग उस वर्ग में भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और 1,18,000 तो मेरी लाडली बहन है जो मेरी सगी बहन से ज्यादा, और उनके लिए मैं सगे भाई से ज्यादा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सगे भाई से ज्यादा है। और इसलिए जब 1,18,000 बहने मेरा प्रचार कर रही है तो कौन हरा सकता है। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। ₹544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।